नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको प्रेत सिद्धि के बारे में बताएंगे, अर्थात आप प्रेत को सिद्ध करके प्रेत से जो चाहे कार्य करा सकते हैं। देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, चाहे वह एक्सीडेंट से मरे, चाहे उस व्यक्ति की हत्या हो, यानी किसी व्यक्ति की जब अकाल मृत्यु हो जाती है, तो अकाल मृत्यु होने के पश्चात यदि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही तरीके से ना किया जाए, तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकना शुरू हो जाती है, भटकती रहती है, और कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात उस आत्मा को कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह आत्मा प्रेत का रूप धारण कर लेती है। जो प्रेत होता है वह मनुष्य का रूप धारण कर सकता है और कुछ भी कार्य कर सकता है। प्रेत में बहुत शक्तिशाली शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली होते हैं प्रेत और कई तरह के दुर्लभ कार्य करने में प्रेत समर्थ होते हैं। यदि कोई साधक प्रेत को सिद्ध कर ले, प्रेत को अपने वश में कर ले, तो वह बहुत से दुर्लभ कार्य, कठिन कार्य बड़ी ही आसानी से प्रेत से करा सकता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको प्रेत साधना के बारे में बताएंगे, लेकिन ध्यान रखें, प्रेत साधना केवल उनको करनी चाहिए जिनका हृदय मजबूत है। कमजोर दिल वाले साधकों को यह साधना कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अमेरिका में व्हाइट हाउस में जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से, तो कुछ वर्षों के पश्चात अब्राहम लिंकन की जो आत्मा थी वह प्रेत के रूप में बदल गई थी। और कहा जाता है कि व्हाइट हाउस के जो कर्मचारी थे उन्होंने कई बार अब्राहम लिंकन की प्रेत आत्मा को व्हाइट हाउस में चलते फिरते काम करते हुए ऑफिस में बैठे हुए उन्होंने देखा था, लेकिन अब्राहम लिंकन के प्रेत आत्मा ने कभी किसी को परेशान नहीं किया क्योंकि वे अच्छे विचारों के व्यक्ति थे। लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट विचारों के होते हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वह प्रेत बन जाते हैं, तो वह तरह तरह के बुरे कार्य करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और यदि उन प्रेतात्मा को सिद्ध कर लिया जाए तो उनसे साधक अपना कोई भी कार्य सिद्ध करवा सकता है। जो प्रेत हैं वो एक हवा का झोंका होते हैं, कहीं पर भी मिनटों में, सेकंडों में वो पहुंच जाते हैं। मन की गति से इनका वेग होता है, मन की गति से चलते हैं और कुछ ही सेकंडों में ये जहां चाहे वहां पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको इस साधना के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही सरल साधना है, लेकिन साधना केवल उनको करनी चाहिए जिनका हृदय थोड़ा मजबूत है। कमजोर दिल वाले साधकों को यह साधना नहीं करनी चाहिए। यह साधना शुरू होती है मूल नक्षत्र में। इसके लिए आप किसी ज्योतिष के पास जा सकते हैं और ज्योतिष से पूछिए कि मूल नक्षत्र किस दिन पड़ेगा, वो तिथि वो डेट आप नोट कर लीजिए और उस तारीख में ही आपको यह साधना करनी है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए मूल नक्षत्र में साधना शुरू की जाती है और इसके लिए आपको अपने घर के आसपास बबूल का पेड़ ढूंढना होगा। घर के आसपास हो, चाहे घर से दूर कहीं पर भी, जहां पे भी आपको मिले, लेकिन वो स्थान थोड़ा सा सुनसान में होना चाहिए। किसी जंगल में, किसी खेत में, किसी ऐसी जगह जहां पर सुबह सुबह लोग ना जाते हो। तो बबूल का पेड़ आपको ढूंढना है किसी सुनसान स्थान में, किसी जंगल में, वहां पर आपको ये साधना करनी है। हो सके तो जहां पर बबूल का पेड़ है उसके पास ही आपको रहना पड़ेगा। यह साधना 39 दिनों की है, 38 दिनों तक ये आपको साधना करनी है और 39वें दिन प्रेत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आपको करना क्या है, प्रातःकाल जब आप शौच के लिए जाएं, तो जो पानी आप लेकर जा रहे हैं शौच के लिए उसमें से कुछ पानी आपको जरूर बचाना है। जो पानी आप बचाकर लाए हैं, अब आपको घर नहीं आना है, आपको सीधा जो बबूल का पेड़ है उसके पास जाना है और बबूल के पेड़ की जड़ में बैठकर, यानी बबूल के पास बैठकर, आपको जो हम मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है और मंत्र पढ़ने के पश्चात जो पानी आप शौच से बचाकर लाए थे वो पानी आपको बबूल के पेड़ में, आपको जड़ में डाल देना है।
बबूल के पेड़ की जड़ में आपको वो पानी डाल देना है। ये क्रिया आपको लगातार 38 दिन तक करनी है। 38 दिन तक आप बबूल के पेड़ के पास बैठकर आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको मंत्र का जाप करना है, उसके पश्चात बबूल के पेड़ की जड़ में आपको पानी डालना है। पानी पहले नहीं डालना है, पहले मंत्र पढ़ना है 108 बार, उसके बाद बबूल के पेड़ की जड़ में आपको पानी डालना है। लगातार आपको ये प्रयोग 38 दिन तक करना है, एक ही समय करना है, प्रातःकाल जो आपका समय आपने चुना है 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, वो समय आपका निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप 6 बजे चले गए, दूसरे दिन 8 बजे, तीसरे दिन 10 बजे, 9 बजे, 7 बजे, ऐसे नहीं, एक समय निश्चित रखना है। 38 दिन तक ये आपको प्रयोग लगातार करना है, एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी आपको बीच में नहीं छोड़ना है। जब 39वें दिन आप जाएंगे और मंत्र पढ़ने के पश्चात आपको पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में नहीं डालना है। आपको मंत्र को 108 बार तो पढ़ना है, लेकिन जो पानी आप शो से बचाकर लाए थे रोजाना की तरह, वो आपको बबूल के पेड़ की जड़ में नहीं डालना है। जब आप पानी को नहीं डालेंगे और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो प्रेत आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उस समय आपको अपने हृदय गति पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पानी रहेगा प्रेत आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रेत आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपसे पानी मांगेगा, लेकिन वो पानी आपको प्रेत को नहीं देना है, बल्कि प्रेत से कहना है कि पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगा। वो 3 वचन आपको प्रेत से क्या मांगने हैं? पहला वचन, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। दूसरा वचन, मैं तुम्हें जो कार्य करने के लिए कहूं तुम्हें वह कार्य करना पड़ेगा। और तीसरा वचन मांगे, तुम्हें जो कार्य मैं कहूं वो कार्य ही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, यानी मेरी मर्जी के बिना तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तीसरा वचन आपको यह मांगना है। पहले वचन में, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। दूसरे वचन में, मैं तुम्हें जो कार्य कहूं तुम्हें वो कार्य करना पड़ेगा। और तीसरा वचन मांगना है कि मेरी मर्जी के बिना तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, मेरी आज्ञा ही तुम्हें माननी पड़ेगी। ये 3 वचन जब प्रेत आपको दे दे तो उसके पश्चात आपको प्रेत को पानी दे देना है। प्रेत पानी ले लेगा और समझ लीजिए कि आपने प्रेत की सिद्धि कर ली। जैसे ही प्रेत आपको 3 वचन दे और आप प्रेत को पानी दे दे तो समझ लीजिए कि आपने प्रेत की सिद्धि कर ली। उसके पश्चात जब भी आपको प्रेत को बुलाना हो तो आपको इसी मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। जैसे ही आप मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो प्रेत आपके सामने प्रकट हो जाएगा और प्रकट होने पर आपसे कहेगा कि बताइए मुझे क्या कार्य करना है। उसके पश्चात प्रेत से आप जो भी कार्य करने के लिए कहेंगे, किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कहेंगे, वह आपके सभी कार्य सिद्ध करेगा। आप अगर उससे पूछेंगे, आप उससे कहेंगे कि जाओ देख कर आओ उसके घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कोई भी कार्य जो आपके मन में आता है वह प्रेत आपके लिए कार्य आपको करेगा। तो मित्रों, इस प्रकार आप प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं। 38 और 39 दिन की साधना है। 39 दिन की साधना करके आप प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं और प्रेत से जो चाहे आप कार्य करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और मित्रों हमारा जो चैनल है महाइंद्रजाल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की दुर्लभ और आश्चर्यजनक वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।